नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी चाल बनाई, एक ऐसा स्टॉक जिसने बड़ी अपमूव दी और एक ऐसा स्टॉक जिसने एक बड़ी डाउन मूव दी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देखते हैं वो दो स्टॉक्स कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज निफ्टी का क्या समाचार है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आज निफ्टी ने काफ़ी बड़ा डिक्लाइन दिया, तो इसमें कोई समाचार वाली बात तो है नहीं। तो आप सब लोग दुखी होंगे कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, तो हम अभी निफ्टी की भी चर्चा कर लेंगे और टॉप गेनर और टॉप लूजर को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब है। आज के दिन करीब 90 स्टॉक्स ऊपर गए और करीब 2100 स्टॉक्स नीचे रहे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब रही है। निफ्टी भी काफ़ी नीचे बंद हुई है, आज का ट्रेंड बहुत ही नेगेटिव था। तो चलिए टॉप गेनर और टॉप लूजर को भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा ITC और आज का टॉप लूजर रहा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ITC ने करीब 4.5% की बढ़त बनाई और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने करीब 7.5% की गिरावट देखी। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट खुला ही हुआ है और पिछले सप्ताह जो हमने रेखाएं बनाई थी वो रेखाएं अभी भी दिख रही हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि निफ्टी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। मार्च 2023 के बाद ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था और शुरू में ये अप ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी स्टीप रहा। उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद फिर एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। चलिए मैं इस रेक्टेंगल को हटा देता हूँ। तो अभी का जो अप ट्रेंड है वो ऐसा स्टीप अप ट्रेंड नहीं है जैसा मार्च 2023 के बाद का अप ट्रेंड था, लेकिन फिर भी एक अप ट्रेंड ही है। लेकिन आज की कैंडल बहुत ही खराब कैंडल बनी है, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब नीचे चला जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये विश्लेषण हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तभी स्विंग ट्रेडिंग का फायदा होता है। अगर निफ्टी साइडवेज ट्रेंड में रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है तो स्विंग ट्रेडिंग का ज़्यादा खास लाभ नहीं होता। तो हम निफ्टी का विश्लेषण केवल स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने के लिए कर रहे हैं। हम निफ्टी का विश्लेषण FNO पोजीशन बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कॉल पुट खरीदने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी मानिए तो आप कॉल पुट से हमेशा दूर ही रहिए। मैंने अपने एक पुराने वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आंकड़ों के साथ मैंने उसमें ये समझाया हुआ है कि FNO में ज़्यादातर ट्रेडर्स नुकसान ही कमाते हैं। तो चलिए हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का आगे आने वाले समय में रुझान कैसा रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल देयर इज अ बेंड। तो क्या यहाँ पे एक बेंड आ गया है? क्या आज की कैंडल बोल रही है कि एक बेंड आ गया है कि अब निफ्टी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं कि आज की कैंडल तो बहुत खराब है। आज निफ्टी ने करीब करीब 1.5% की गिरावट देखी और आज की कैंडल ने पिछले कई दिन की कैंडल्स का अपमूव खत्म कर दिया। तो पिछले सप्ताह हमने एक हॉरिजॉन्टल रेखा बनाई थी जिसके बाद हमने ये चर्चा करी थी कि जब तक निफ्टी की क्लोजिंग इसके ऊपर है तब तक निफ्टी हम अपट्रेंड में मान के ही चलेंगे। तो अभी भी आज के दिन भी निफ्टी की क्लोजिंग इस रेखा के ऊपर ही है, लेकिन दिन में निफ्टी का लो इस रेखा के काफ़ी करीब आ गया था जो एक चिंता का विषय है। चलिए हम ये दो अपर डेल हटा देते हैं और एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन इन दो लोज को जोड़ के बनाएं तो आज की निफ्टी की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग नीचे नहीं आई थी, यहाँ पे निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद निफ्टी ऊपर चली गई। तो आज की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, लेकिन अभी भी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। तो चिंता का विषय तो है ही, अगर निफ्टी कल या परसों या आगे आने वाले किसी भी दिन इस सपोर्ट लाइन के नीचे बंद हो जाती है तो हम मानेंगे कि निफ्टी का डाउनवर्ड ट्रेंड जारी हो गया है। लेकिन अभी आज हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन या आगे आने वाले एक दो दिनों में स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा, काफ़ी जोखिम भरा रहेगा। चलिए हम निफ्टी का और गहराई में विश्लेषण नहीं करते हैं क्योंकि हम ये FNO पोजीशन बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको 101 अन्य चैनल मिल जाएंगे जो सिर्फ निफ्टी ही की ही बात करते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से तो वो ट्रेडिंग है ही नहीं। इंट्रा ट्रेड ट्रेडिंग, FNO की ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होनी चाहिए जिसमें आपको
फायदा हो, आपको लाभ हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान ही करते हैं। चलिए आज के दो स्टॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ITC को देख लेते हैं। तो ये ITC का दैनिक चार्ट है। तो सबसे पहले हम ITC के मासिक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ITC का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा लग रहा है, अपर ट्रेंड लग रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक अपर ट्रेंड था, फिर उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद फिर से एक अपर ट्रेंड शुरू हो गया और मुझे लग रहा है कि अपर ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अभी का अपर ट्रेंड काफी स्टीप है। चलिए साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में भी लग रहा है कि अपर ट्रेंड काफी स्टीप है। यहां पे एक कंजेशन बनी हुई है, थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। तो क्या यह सूचना दे रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है? अभी हम साप्ताहिक चार्ट देख के कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं और ये रेक्टेंगल को हटा देते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कंजेशन ही है। तो आज की कैंडल एक रेड कैंडल है, लेकिन हम इसको बियरिश कैंडल नहीं बोल सकते क्योंकि ये कल के क्लोजिंग के काफ़ी ऊपर बंद हुई है। तो आज ITC काफ़ी ऊपर खुला लेकिन उसके बाद नीचे बंद हुआ, क्योंकि आज बाजार में जनरली मंदी ही थी तो सारे स्टॉक नीचे गिर रहे थे, लेकिन ITC ने फिर भी कल के मुकाबले 4.5% की बढ़त बनाई है, तो वो एक अच्छी बढ़त है। चलिए सबसे पहले इससे पीछे का मूव देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ITC ने एक बेस बनाया था और उसके बाद ये अपवर्ड मूव दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि ये कैंडल काफ़ी अच्छी है। दिखने में तो ये रेड कैंडल है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। इस कैंडल को देख के हम एक स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन तो नहीं बना सकते क्योंकि ये रेड कैंडल है, लेकिन इसको देख के हम एक पोजिशनल ट्रेड जरूर ले सकते हैं। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो इस रेखा के नीचे कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इस रेखा के करीब हमारा टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज की क्लोजिंग करीब करीब 422 की है और हमारा टारगेट करीब करीब 480 का है। तो 422 से 480 एक अच्छा टारगेट है। तो हम यहाँ ITC का स्टॉक का विश्लेषण सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। मेरी इसमें बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। आप अपना विश्लेषण खुद करिए, देखिए कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, देखिए कि टारगेट कहाँ रखना है, क्या आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, क्या ट्रेंड ठीक है कि नहीं है, आपको क्या लग रहा है, आप सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ों का विश्लेषण करिए और अपनी समझबूझ के बाद ही इसमें कोई पोजीशन लीजिए। हम यहाँ पर चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रेंड कैसा है, कैंडल्स कैसी बनी हैं, हम कौन सी कैंडल पर ट्रेड लें, कौन सी कैंडल पर ट्रेड ना लें। तो हम सिर्फ सीखने के पर्पज़ के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो इस स्टॉक की चर्चा हमने 2 सप्ताह पहले भी करी थी। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं छोटी सी क्लिप आपके लिए प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको ट्रेंड अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपर ट्रेंड है और अभी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। आज की कैंडल भले ही बहुत खराब कैंडल है जिसने करीब करीब 4.5% का डाउन मूव दिया है, परंतु फिर भी अगर पूरे मूव को देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक एक कंजेशन में चला गया है और जब एक अपर ट्रेंडिंग स्टॉक कंजेशन में चला जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ पे हम अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आज की कैंडल के बाद हम एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि एक बेरिश कैंडल है। अगर हमको कभी भी एक बुलिश कैंडल दिख जाए तो हम इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मासिक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि पावर ग्रिड का ट्रेंड कैसा है। तो मासिक चार्ट को देखें तो ट्रेंड बढ़िया ही लग रहा है, अपर ट्रेंड लग रहा है। चलिए साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। साप्ताहिक चार्ट से हमको कुछ ज़्यादा नहीं पता लग रहा है, हमको ट्रेंड अपर ही लग रहा है। चलिए हम अब दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट पे भी ट्रेंड अच्छा ही लग रहा है और अगर हम पिछले कुछ दिनों की मूव देखें तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब कभी ऐसा स्टीप ट्रेंड बन जाता है तो नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पर चलिए विश्लेषण कर लेते हैं कि अभी यह ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। आज की कैंडल तो बहुत ही खराब है, एक रेड कैंडल है और करीब करीब 7.5% का डाउन मूव है। तो 2 सप्ताह पुराने वीडियो में हमने इस कैंडल की चर्चा करी थी, 28 फरवरी के कैंडल की चर्चा करी थी और उस दिन करीब करीब 4.5% का डाउन मूव था।
उस दिन मैंने बोला था कि इस कैंडल पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये एक बड़ी खराब कैंडल थी, एक रेड कैंडल थी और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल थी, फिर भी एक बियरिश सिग्नल नहीं था। और आप देखेंगे उसके बाद आने वाले समय में स्टॉक ऊपर ही गया और पुराने हाई को भी तोड़ दिया, लेकिन आज की कैंडल बहुत ही खराब बंद हुई है। तो अगर हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रेखा बनाएं, तो आज की कैंडल इस हॉरिजॉन्टल रेखा के ऊपर तो बंद हुई है, लेकिन आज के दिन का लो इस रेखा के नीचे चला गया था, जो एक चिंताजनक विषय है। मेरे को लग रहा है कि आज की कैंडल के बाद एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस स्टॉक को शॉर्ट कर दें, उसका विश्लेषण आप खुद करिए। मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आए। तो ये मूव एक या दो दिन का मूव नहीं होगा या एक या दो सप्ताह का मूव नहीं होगा, ये मूव होगा करीब करीब एक से दो मास का और हो सकता है उससे भी ज़्यादा का हो। लेकिन मेरे को लगता है अब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ गया है। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि अब ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू कर देगा। परंतु मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप इस स्टॉक का या ITC का विश्लेषण खुद करिए। आप ये देखिए कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ सीख सकें, कुछ नई लर्निंग कर पाएं। ये चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा है कि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको भी ऐसे ही किसी स्टॉक का विश्लेषण करवाना है तो आप नीचे कमेंट में उस स्टॉक का नाम छोड़ सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस स्टॉक का विश्लेषण करके एक नया वीडियो पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद और नमस्ते।